हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम या हेट्रो बाईसाइक्लिक सिस्टम। ऐसे कोई सिस्टम जिसके अंदर दो दो बाईस बाईसाइकिल का मतलब दो साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो और उनके अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। तो जो ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होते हैं उनके नोमन क्लेचर की बात करेंगे। नोमन क्लेचर कैसे करते हैं, जैसे हम ब्रिज ब्रिज कंपाउंड का नोमन क्लेचर करते थे, ऐसे ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का भी क्या करेंगे, नोमन क्लेचर करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड वो होता था जो किसी एक कॉमन कार्बन एटम से फ्यूज होता था। और बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, इसके पास दो ब्रिज हेड पोजीशन होंगी जहाँ से ये जुड़ी होंगी दो साइक्लिक रिंग, उनको बोलेंगे ब्रिज कंपाउंड। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। क्या स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। देखो जी, मैंने इसमें लिख रखा है ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ब्रिज हाइड्रोकार्बन। किसके अकॉर्डिंग होगा, ब्रिज हाइड्रोकार्बन के। द हेट्रो एटम्स विद देयर लोकेंट्स आर प्रिफिक्स टू द नेम ऑफ द ब्रिज हाइड्रो कार्बन। जैसे हमने ब्रिज हाइड्रोकार्बन की नेमिंग की है, जैसे वहाँ लोकेंट की नेमिंग करते, लोकेट लोएस्ट लोकेंट करते थे, लोएस्ट नंबरिंग करते थे प्रीफिक्स को, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करते थे, वैसे ही हम नेमिंग करेंगे। और जो हेट्रो एटम है, जैसे हमारे पास स्पायरो कंपाउंड में किस में जा रहा था, प्रीफिक्स में जा रहा था, तो इसमें भी किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का नोमन क्लेचर या बाईसाइक्लिक सिस्टम का नोमन क्लेचर। देखो जी, पहला रूल लिख रखा है, देखना जी। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, सबसे पहले हमने वहाँ का लिखा था प्रीफिक्स लिखा था, फिर उसके बाद हमने स्पायरो लिखा था, फिर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर ऑफ एटम लिखे थे, फिर उसके बाद हमने प्राइमरी सफिक्स लिखा, प्राइमरी, फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी सफिक्स लिखा था। ऐसे ही इसमें करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद वहाँ क्या लगाया था, स्पायरो, यहाँ बाईसाइकिल लिखा, उसके लगाएंगे बाईसाइक्लो। तीन तीन रिंग है तो ट्राईसाइक्लो, चार है तो टेट्रासाइक्लो। ठीक है जी, फिर स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर क्या, सेकेंडरी सफिक्स, सेम टू सेम है। तो इसमें पहले रूल में वही लिख रखा है कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर बाईसाइक्लो लगाएंगे, फिर क्या, स्क्वेयर ब्रैकेट लेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। देखो जी, लिख रखा है इसमें, ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू रिंग्स विद टू और मोर कॉमन एटम इज गिवन द नेम ऑफ क्या, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विद द सेम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। आगे कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास बाईसाइक्लिक रिंग होगी वो कंटेन करेगी दो या दो से, नहीं, बाईसाइक्लिक का मतलब दो रिंग, ट्राईसाइक्लिक का मतलब क्या, तीन रिंग। तो जो मेरे पास ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होगा वो मिनिमम कितनी रिंग कंटेन करेगी, दो तो करे ही करेगी। ठीक है जी, आगे देखो, आगे लिख रखा है विच इज प्रिसीड बाई द प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। क्या लगाएंगे उसके लिए, दो है तो क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो, तीन है तो ट्राईसाइक्लो, चार है तो टेट्रासाइक्लो, पांच है तो पेंटासाइक्लो, विद डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ सेपरेटेड बाय द फुल स्टॉप इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये कह रहा है डिसेंडिंग नंबर ऑफ एटम को लिखना है, सबसे पहले सबको जिसका ज्यादा है उसमें, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है उसको लिखना है, फिर उससे कम वाले को लिखना है। ठीक है जी, सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप इन स्क्वायर ब्रैकेट। किससे सेपरेट करेंगे, फुल स्टॉप से, किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। इंडिकेटिंग नंबर ऑफ एटम सेपरेटिंग ब्रिजिंग ब्रिज हेड एटम। किसको सेपरेट करेंगे, ये ब्रिज हेड एटम को सेपरेट करेंगे। आगे देखो, द प्रीफिक्स इंडिकेटिंग हेट्रो एटम्स विद देयर लोकेंट्स आर प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द ब्रिज हाइड्रोकार्बन। ये कह रहा है जो प्रीफिक्स इंडिकेट करेगा ना हाइड्रोकार्बन को, उसको क्या करेंगे, लोकेंट के हिसाब से प्रीफिक्स करेंगे और उसको नेम क्या करेंगे, ब्रिज हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे उसकी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे या जितने भी हेट्रो एटम आएंगे हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में या ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में, तो हमेशा जो हेट्रो एटम होंगे उनको हम किस में काउंट करेंगे, प्रीफिक्स में काउंट करेंगे, और उनकी उनकी जो नंबरिंग करेंगे वो लोएस्ट नंबरिंग के अकॉर्डिंग या लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है जी, अब देखो रूल नंबर सेकेंड, देखो रूल नंबर सेकंड में क्या लिख रखा है, द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड पोजीशन। कहाँ से स्टार्ट होगी, किसी एक ब्रिज हेड पोजीशन से स्टार्ट होगी, एटम एंड प्रोसीड थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट। किसकी रूट से जाएगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट, जो लॉन्गेस्ट होगा उस तरफ से, टू द सेकेंड ब्रिज हेड एटम। किसकी तरफ जाएगी, दूसरे ब्रिज हेड एटम की तरफ जाएगी, एंड देन बाय द सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट, और दूसरा उसके बाद कौन से रूट पर जाएगी, जो दूसरा लंबा रूट होगा, टू द फर्स्ट ब्रिज हेड एटम एंड फाइनली द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द ब्रिज हेड एटम टू द सेकंड ब्रिज हेड एटम। ये सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी ब्रिज हेड एटम है जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, ब्रिज कंपाउंड ये होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगा, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँ, मैंने मेरे पास ये दो रिंग है, एक 5 मेंबर ठीक है, एक 6 मेंबर, तो जहाँ से दो बाईसाइक्लिक रिंग दो जुड़ी हुई हैं, तो ये एटम और ये एटम तो इन दोनों रिंग को जोड़ रहा है, तो ये एटम किसका काम करेंगे, ब्रिज हेड एटम का। किसका काम करेंगे, ब्रिज हेड एटम का। तो नंबरिंग मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ से या यहाँ से करूँगा, किसकी तरफ चलूंगा, लॉन्गेस्ट रूट। लॉन्गेस्ट रूट का मतलब क्या है, उसकी तरफ जाऊँगा जिसकी तरफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ कितने देखो, 1 2 3 4 एटम है, यहाँ कितने, 1 2 3, तो किस तरफ चलूंगा, इस तरफ चलूंगा।
ना जी, और कहाँ पहुंचूंगा, दूसरे ब्रिज हेड एटम पे पहुंचूंगा, फिर उससे दूसरे लॉन्गेस्ट रूट पे चलूंगा इस पे, ये कह रहा है दूसरे रूल नंबर सेकंड में। आया समझ में रूल नंबर सेकंड? हमेशा ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूट ट्राई करना है, फिर उसके बाद उससे छोटा रूट, फिर उसके बाद क्या और छोटा रूट ट्राई करना है। ठीक है जी, अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड पे। देखो रूल नंबर थर्ड देखना जी, इसमें लिख रखा है द हेटरो एटम इज गिवन नंबर एज लो एज पॉसिबल। हमेशा जो हेटरो एटम होंगे उसको लोएस्ट नंबरिंग देंगे या उसको लोएस्ट लोकेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, आगे लिख रखा है इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन हेटरो एटम एंड मल्टीपल बॉन्ड द हेटरो एटम इज क्या प्रीफर्ड। अगर मेरे पास चॉइस है मल्टीपल बॉन्ड का, मतलब उधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में चॉइस है, तो हमेशा मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, मैं हमेशा सेलेक्ट करूंगा किसको, हेटरो एटम को मल्टी बॉन्ड के कंपेरिजन में। आगे देखो ये कह रखा है इफ देयर इज कंपेरिजन बिटवीन हेटरो एटम द प्रेफरेंस इज नंबरिंग इज गिवन एज अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस इन टेबल फर्स्ट। ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई दो या दो से ज्यादा हेटरो एटम है, उनके बीच में कंपेरिजन है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूंगा, टेबल फर्स्ट, जो टेबल फर्स्ट में पहले आ रहा था उसको पहले लिखूंगा, उसके बाद क्या दूसरे को लिखूंगा। टेबल फर्स्ट में पहले कौन आ रहा था उसको नंबरिंग दूंगा, टेबल फर्स्ट में जो पहले आ रहा था उसको पहले नंबरिंग दूंगा, टेबल फर्स्ट में जो बाद में आ रहा था उसको बाद में नंबरिंग दूंगा। ध्यान है सबसे पहले कौन सा आ रहा था, ऑक्सीजन, फिर क्या आ रहा था सल्फर, तो ऑक्सीजन को नंबरिंग पहले देनी है, फिर किसको देनी है सल्फर को देनी है। एंड देयर प्रीफिक्स विद लोकेट आर अरेंज क्या अल्फाबेटिकल, उनके प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली के, जैसे ऑक्सीजन और थाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का और थाया का टी, तो पहले कौन आता है ऑक्सो, फिर उसके बाद टी आता है, तो ऑक्सो पहले लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे थाया लिखेंगे। देखो जी हमारे पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड, एक साइकिल एरी एक साइकिल एरी, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, देखो ध्यान रखना, सबसे पहले लिखना है प्रीफिक्स, फिर लगाना है बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट लेनी है, ब्रैकेट में नंबर ऑफ एटम असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसके बाद क्या सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, ऐसे नंबरिंग करनी है या ऐसे नेमिंग करनी है। देखो जी अगर मैं इसके नेमिंग करना चाहूँ, अगर मैं इसके नेमिंग करना चाहूँ, तो मेरे पास दो साइक्लिक रिंग है, तो देखो देखना जी आप लोग ब्रिज हेड कार्बन कौन सा होगा, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है जी, हमें उसकी तरफ से चलना है, लॉन्ग ब्रिज हेड पोजीशन से चलना है, लॉन्गेस्ट रूट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी चल सकता हूँ मैं और यहाँ से भी चल सकता हूँ। लॉन्गेस्ट रूट तो यही होगा क्योंकि कितने एटम, एक दो तीन चार, यहाँ कितने एक दो तीन, तो किस तरफ चलूंगा, या तो यहाँ से या यहाँ से। अब देखो इसके अंदर हेटरो एटम भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन, अगर यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ एक नंबर दूंगा, दो तीन चार पे आ रहा है, यहाँ से एक दो तीन कितने पर है तीन पे, तो कहाँ से चलूंगा ऊपर से, एक लोएस्ट नंबरिंग देनी है ना, दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया। अब कंटिन्यू चलना है ब्रिज हेड को, मतलब ब्रिज का एटम उसको बाद में लिखना है, छः के बाद क्या आएगा सात आठ नौ, और ये किस में जाएगा दस में, किस में जाएगा दस में। देखो जी तीन पे क्या है ओग्जो, ओग्जो किस में जाएगा फिक्स में जाएगा, क्या लिखूंगा थ्री ओग्जो, क्या लिखूंगा थ्री ओग्जो, फिर क्या लगाऊंगा बाईसाइक्लो, क्या लगाऊंगा बाईसाइक्लो। अब देखना जी ब्रैकेट लगाई, देखो जी यहां इस रिंग के अंदर ब्रिज हेड को छोड़ कितने एटम है, एक दो तीन चार, डिसेंडिंग का मतलब क्या सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लिखूंगा, चार हो गए। फिर देखना जी कितने एटम है यहाँ, एक ब्रिज हेड को छोड़ के एक दो तीन कितने हैं तीन हैं, और ब्रिज में कितना है एक है, ये हो गया। कितने कितने एटम है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास, दस आ रहे, दस के लिए क्या लगाते हैं डेक, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या ये नाम हो जाएगा जी इसका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा नाम था, आ गया होगा मेरे हिसाब से, इस समझ में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी इसकी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसकी नेमिंग करते हैं हम, इसको देखना कैसे करता हूँ मैं इसकी नेमिंग, आप लोग देखना जी, ब्रिज हेड ये कार्बन और ब्रिज हेड ये कार्बन हो गया जी ब्रिज हेड। अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन में चलना है, देखो जी तो यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन, किसी साइड चलो बात बराबर है। ठीक है जी, तो एक नंबर इसको दूंगा, दो नंबर इसको दूंगा, तीन नंबर इसको हो गया, चार नंबर इसको, पांच नंबर इसको, छह नंबर इसको, और जो ब्रिज में है उसको लास्ट नंबर, लोएस्ट नंबरिंग नहीं हाईएस्ट नंबरिंग देनी है। हमेशा ध्यान रखना जो ब्रिज में होगा उसको हाईएस्ट नंबरिंग देनी है, क्या देनी है हाईएस्ट नंबरिंग। अब देखना जी कितने पे प्रीफिक्स है, सात पे तो क्या लिखूंगा सेवन ओग्जा, क्या लिखा सेवन ओग्जा, दो रिंग है तो क्या लगाऊंगा बाईसाइक्लो, क्या लगाऊंगा बाईसाइक्लो हो गया। ठीक है जी, अब देखो ये से यहाँ से कितने एटम है ब्रिज हेड को छोड़ के, कितने एटम है इस साइड दो, टू लिखूंगा, इस साइड कितने हैं टू, और ब्रिज में कितने हैं एक,
कि अगर 2 2 1 कितने हैं टोटल एटम, सात सात के लिए क्या हैप्ट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या एन, इसी का सिमिलर क्या है ये, ये नेम होगा, सिंपल सा नाम है, कर सकते हो आप नेमिंग। ठीक है जी, अगला देखो, अगले नेमिंग देखो आप लोग। अब बात करते हैं, हमारे पास ये है एक नेमिंग। देखो जी, अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो मेरे पास ब्रिज हेड कार्बन सेलेक्ट करना है। ब्रिज हेड कार्बन कौन सा हो गया, ये दो ब्रिज हेड कार्बन हो गए। हाँ जी, आ रहा है समझ में, देखना जी आप लोग। अब मैं बात करूंगा कि मेरे पास इस साइड ऑक्सीजन है, इस साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो सीधी सी बात है भाई, अब चॉइस आ गई, यहाँ से चलोगे तो नाइट्रोजन को एक नंबर मिलेगा, यहाँ से चलोगे तो ऑक्सीजन को एक नंबर मिलेगा। तो हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा कि ऑक्सीजन टेबल फर्स्ट में पहले आता है, तो उसको प्रेफरेंस पहले देंगे, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, नीचे से। तो एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, तीन नंबर इसको, चार नंबर इसको, पाँच नंबर इसको, छः नंबर इसको, सात नंबर इसको, आठ नंबर इसको, और जो ब्रिज में है उसको लोएस्ट नंबरिंग, और जो ब्रिज में है उसको क्या, लोएस्ट नंबरिंग। एक चीज़ बताओ जी, ऑक्सा पहले आता है, अजा पहले आता है, नाइट्रोजन के लिए क्या लगाएंगे, अजा। तो अजा पहले आता है ना, अजा कितने पे है, अजा है हमारे पास कितने पे है, फोर पे, तो क्या लिखूंगा, फोर एजा हो गया जी। हाँ जी, अब देखना जी, ऑक्सा ऑक्सा कितने पे, टू पे, और क्या सेवन पे, तो क्या लिखूंगा, टू सेवन डाई ऑक्सो, टू सेवन डाई ऑक्सा। बाईसाइकिल क्या लिखाऊंगा, बाईसाइकिलो, क्या लगाऊंगा, बाईसाइकिलो। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा जी। अब देखो जी, ये ब्रिज है, इनको इस साइड देखो कितने एटम हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यहाँ कितने हैं, तीन, क्या लिखूंगा, थ्री। यहाँ पे कितने, एक दो तीन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, थ्री। और ब्रिज में कितना है, एक है, तो क्या लिखूंगा, एक। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नो नो के लिए क्या, नन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, एन। ठीक है जी, कर लोगे, सिंपल सा था। अब देखो जी, इसमें ब्रिज हेड सेलेक्ट करना है, तो ब्रिज हेड हमारे पास ये हो गया। ठीक है जी, नंबरिंग यहीं से करूँगा, यहाँ से कर लो जी, यहाँ से कर लो, बाद बराबर एक दो तीन चार पाँच छः, और सात नंबर किसको मिलेगा, एजा को मिलेगा। तो एजा कितने पे है, सेवन पे, तो क्या लिखूँगा, सेवन एजा। जो ब्रिज में होगा उसको लोएस्ट नंबरिंग देंगे, बाई साइक्लो, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ कितने टाइम है ब्रिज को छोड़ के, दो, उस साइड पे कितने हैं, टू, और एक क्या है ब्रिज में है, टू टू वन। कितने आइटम है, साथ साथ के लिए क्या, हैप्ट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, एन। ओहो हो, एन नहीं लगेगा जी। देखो टू थ्री पे है, और सिक्स फाइव पे दो बॉन्ड है ना, फाइव सिक्स पे, तो क्या करेंगे, हैप्ट तो होएगा। एक डबल बॉन्ड कितने पे है, टू पे, एक डबल बॉन्ड कितने पे है, फाइव पे, टू फाइव डाई इन, ये आएगा जी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, किसकी बात करते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की। तो जो रूल है उसमें सेम थे, वैसे के वैसे सेम टू सेम रूल यहाँ है, जैसे वहाँ रूल थे सेम टू सेम, वैसे के वैसे रूल क्या है यहाँ, बाईसाइक्लिक में थे जैसे कि जैसे यहाँ क्या है, ट्राई इसमें है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें हमारे पास ट्राईसाइक्लिक है, तो तीन लगाएंगे, तीन रिंग है तो ट्राईसाइक्लिक, चार है तो टेट्रासाइक्लिक लगाएंगे जी। ठीक है, लेकिन एक रूल चेंज होगा, एक रूल मैं आपको बुक में ही दिखा देता हूँ कौन सा रूल चेंज होगा, देखना जी। जो रूल नंबर अपने पास सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल ये चेंज होगा, जो सेकंड रूल है अपने पास वो चेंज होगा। इसमें लिख रखा है, द प्रीफिक्स साइक्लो इज फॉलोड बाय द नंबर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर इंडिकेटिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहला रूल क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टू ब्रांचेज ऑफ द मेन रिंग। जो मेन रिंग होगी ना, और मेन रिंग हमेशा वो होगी जिस रिंग के अंदर ब्रिज हेड एटम या ब्रिज एटम ज़्यादा होंगे। मेन रिंग वो होगी जिस रिंग के अंदर ब्रिज एटम क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम मेन ब्रिज मेन रिंग में काउंट करेंगे। तो ये कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ मेन रिंग कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसकी बात करता है कि वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है, उसकी बात करनी है। ठीक है जी, अब दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी देखो, द नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे समझो पहले रूल की हम नंबरिंग की बात करेंगे। ठीक है जी, नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो देखो जी, हम नंबरिंग हमेशा देखो जी, ये एक रिंग हमारे पास, एक दो तीन रिंग है, कितनी रिंग है, तीन रिंग है, लेकिन मेन रिंग कौन सी होगी, जिस रिंग के अंदर मेन रिंग वो होगी, वो काउंट होगी जिस रिंग के अंदर हमारे पास मैक्सिमम ब्रिज एटम है। तो यहाँ एक है, यहाँ क्या है, जीरो, तो मेन रिंग में कौन सी जाएगी, ये चली गई मेन रिंग में, है ना जी। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, ये देखो जी, ये देखो, ठीक है जी,
एक नंबर नंबरिंग देखो यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, लेकिन इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नीचे से। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और क्या 10, नंबरिंग कर लिया आप लोगों ने। अब नंबरिंग तो हो गई हमारे पास, ठीक है जी। अब देखो जी लिखना है इसको, तो लिखेंगे क्या, 3 पे क्या है, 3 पे फिनाइल है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 फिनाइल, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको 3 फिनाइल, 3 पे क्या है, फिनाइल है। देखो जी अजा ग्रुप है 1 2 3, क्या लिखूँगा, 3 4 5, ट्राई अजा हो गया, कितनी साइकिल लिखेंगे, 1 2 3, तो क्या लगाऊँगा, ट्राई साइक्लो हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब रूल नंबर 1 आएगा। देखो जी रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखना जी रूल नंबर, ये जो रूल नंबर 2 है ये कहता है, रूल नंबर 2 में पहला रूल क्या कहता है, ये कहता है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ द मेन रिंग कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये कह रहा है जो दो रिंग है ना, दो ब्रांचेस है मेन रिंग की, तो मेन रिंग की दो ब्रांचेस हमारे पास ये रही, ये मेन रिंग है, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, है ना जी। ये कह रहा है आगे देखो, कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कितने एटम वो, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है, तो देखना जी आप लोग मेन ब्रांचेज में अगर मैं बात करूं, तो देखो जी ये तो इसका ब्रिज हेड हो गया, या आप ऐसे चेक कर सकते हो, देखो जी ये तो ब्रिज हेड हो गया, इनको छोड़ दो, 1 2 3 4 और क्या 5, कितने एटम कंटेन कर रही है, 5 लिख दिया। अब देखो जी आगे चलते हैं, आगे देखना दूसरी बात कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम इन मेन ब्रिज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड एटम। ये कह रहा है मेन रिंग की बात करनी है, और किसको एक्सक्लूड करना है हमें, हमें एक्सक्लूड करना है ब्रिज हेड एटम, एंड किसको एक्सक्लूड करना है, ब्रिज हेड एटम को एक्सक्लूड करना है। देखो जी अगर मैं बोल दूं, देखना जी इसको, मेरे पास कोई भी रिंग है, अगर मैं बात करता हूँ, देखो जी ये भी ब्रिज हेड एटम हो गए, ये भी ब्रिज, अगर मेरे पास ये रिंग है ना जी, 1 2 3 4, ये भी ब्रिज हेड एटम, ये भी ब्रिज हेड एटम, तो इसमें रूल समझना आप लोग क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि देखना जी, देखना जी देखो जी ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम इन मेन मेन ब्रिज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड एटम्स, जो एक्सक्लूड करेंगे ब्रिज हेड एटम को। देखो जी ये मेन प्लस मेन ब्रिज हो गया, मेन मेन रिंग हो गई, इसमें एक ब्रिज ये हो गया, तो इसको एक्सक्लूड करना है, इन दोनों एटम को एक्सक्लूड करना है, इन दोनों एटम को एक्सक्लूड करना है, तो कितने एटम बचे, 2 बचे, तो क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा जी, लिख दिया जी 2। ब्रिज में कितना एटम है, ब्रिज में एक एटम है या तो 0 है, तो पहले 1 लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, 0, फिर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, 0। अब देखना जी आगे लिख रखा है द नंबर ऑफ एटम इन सेकेंडरी ब्रिज, सेकेंडरी ब्रिज में कितने एटम है, 0 है, तो मैंने लिख दिया ना इसमें 0। अब सेकेंडरी ब्रिज है कहां कहां, सेकेंडरी ब्रिज 2 और 6 पे है ना, प्राइमरी ब्रिज ये हो गया, सेकेंडरी ब्रिज क्या हो गया, ये हो गया, तो 2 6 पे है, तो सुपर स्क्रिप्ट में उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, 2 और क्या 6, ये होगा। इसके बाद अब देखो जी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 10 है, 10 के लिए क्या लगाऊंगा, डेक, 10 के लिए क्या लगाऊंगा, डेक, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या लगाऊंगा, एन। ये लो जी ये इसका नाम होगा, ये क्या होगा, इसका नाम होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं इसका नाम करते हैं, देखो जी, देखो जी यहां मेरे पास एक से ज्यादा रिंग है, ठीक है, मैंने कहा था मेन रिंग में वो जाएगा, मेन ब्रिज में वो जाएगा जिसके पास ब्रिज के अंदर ज्यादा एटम होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 0, मेन ब्रिज में कौन जाएगा, ये जाएगा। अब नंबरिंग उसके हिसाब से करेंगे कि जिस हिसाब से करेंगे, कि जो हमारे पास लोवेस्ट नंबरिंग किसको मिले, हमेशा लोवेस्ट नंबरिंग उसको मिले जिसके पास हमारे पास क्या हो, जो टेबल नहीं, हेट्रो एटम को लोएस्ट नंबरिंग देंगे, और हेट्रो एटम को लोएस्ट नंबरिंग अगर सेम हो रही है तो उसको देंगे जो टेबल फर्स्ट में पहले आ रहा है। देखना जी नंबरिंग करेंगे इस, देखो जी हमें लॉन्गेस्ट रूट सेलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट रूट तो हमारे पास ये होगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर और ये क्या 11 नंबर और ये क्या 12। देखो जी 3 पे थाया है, 10 पे अजा है, 10 पे क्या है, अजा है, 8 और 10 पे क्या है, अजा है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 थाया, 8 10,
A10 हो गया, 8 और 10 पे तो है डाइएजा, डाइएजा हो गया, कितने हैं, तीन रिंग हथकेले का वो ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो हो गया। अब स्क्वेयर पैकेट आगे यहाँ लगा रहा हूँ जी, स्क्वेयर पैकेट लगा दी। मेन मेन रिंग के अंदर मैंने सबसे पहले कही थी, मेन रिंग के अंदर जो ब्रांचेज है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखने हैं हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखो जी, मेन मेरे पास मेन ये हो गया, मेन तो यही होगी ना। अब इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ब्रिज को देखना जी, ब्रिज को छोड़ के देखो जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखना ब्रिज हेड को छोड़ के, छोड़ दिया ब्रिज हेड, 1 2 3 4 और क्या 5, 5 लगा दिया। ठीक है जी, अब जो मेन रिंग है उसमें ब्रिज हेड को छोड़ना है, किसको छोड़ना है, ब्रिज हेड को छोड़ना है और ब्रिज एटम को छोड़ना है। ब्रिज हेड तो ये हो गए, ब्रिज एटम ये हो गए, तो बचे कितने, 1 2 3, कितने बचे, 3। ठीक है जी, फिर उसके बाद ब्रिज के एटम लिखने, ब्रिज में कितने हैं, 2। सेकेंडरी ब्रिज में तो 0 है, और सेकेंडरी ब्रिज की पोजीशन को क्या करना है, मेंशन करना है, कितने पे है, 2 और कहाँ, 6, कहाँ है, 2 और क्या, 6, कहाँ पे है, 2 और 6 हो गया। ठीक है जी, अब देखना जी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 12, 12 के लिए क्या लगा था, डू डेक और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, ये इसका नाम हो जाएगा। आप लोग पॉलीसाइक्लिक को भी ट्राई कर सकते हैं, बाईसाइक्लिक को भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आती है तो आप डाउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।